हेलो, वेलकम टू योर चैनल वर्सेटाइल जी मैथ्स। जी एडवांस 2025 प्रॉब्लम सीरीज में आज का प्रॉब्लम लिमिट और साथ ही साथ इंटीग्रेशन। लिमिटिंग वैल्यू के इक्वल टू 0 to n। यहाँ दो वेरिएबल, एक के लिए और एक लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n के लिए। और दूसरा प्रॉब्लम आसान सा प्रॉब्लम है, दिखने से ही आसान लग रहा है। बी प्लस ए माइनस एक्स यूज करें अगर किंग्स रूल, तो इजी वे में यह फाइंड आउट हो सकता है। और ऐसे प्रॉब्लम के लिए हम लोग दूसरे इंटीग्रल को जो लाते हैं उसके डिनोमिनेटर में वही एलिमेंट ढूंढते हैं, वैसे ही टर्म्स को ढूंढते हैं जो ऑलरेडी प्रॉब्लम के डिनोमिनेटर में है। आइए प्रॉब्लम को देखते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम, सबसे पहले इसके बारे में सोचते हैं। सिग्मा के इक्वल 0 to n माइनस 1 to the power k, 2 to the power n minus k अपॉन k+1 इंटू एन सी के। ये कुछ बाइनोमियल कोफिशिएंट सा बाइनोमियल कोफिशिएंट कुछ बाइनोमियल एक्सपेंशंस हैं जिसमें 2 to the power n minus k है, और ये n माइनस के माइनस 1 to the power k के रूप में। यानी अगर हम लोग 2 minus x to the power n के एक्सपेंशन के बारे में सोचें तो कुछ ऐसा ही है। ये सिग्मा के इक्वल 0 to n एन सी के 2 to the power n minus k एंड -x to the power k। ठीक है, ये -1 का पावर k है, यहाँ x की जगह k की, -1 की जगह -x to the power k है, और साथ ही यहाँ k+1 है। ठीक है, k+1 हमें चाहिए। तो ऐसा करते हैं, इसे दोनों साइड इंटीग्रेट कर देते हैं। dx के रिस्पेक्ट में तो ये हमारा हो जा रहा है 2 minus x to the power n+1 बाई n+1 एक्स का कोफिशियंट माइनस, तो माइनस एंड प्लस एक इंटीग्रल कॉन्स्टेंट सी, एंड दिस बिकम्स एक्स के रिस्पेक्ट में केवल यही इंटीग्रेट होगा। यानी सिग्मा के इक्वल 0 to n के इक्वल 0 to n एन सी के 2 to the power n minus k माइनस x to the power k+1 एक्स का कोफिशियंट माइनस, तो माइनस k+1। ठीक है, यानी ओवरऑल फाइनली दिस कैन बी रिटन एज माइनस 2 minus x to the power n+1 2 minus x to the power n plus 1 अपॉन n+1 इज इक्वल सिग्मा के इक्वल 0 to n एन सी के 2 to the power n minus k और प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट था इधर सी, एंड माइनस एक्स टू द पावर के प्लस वन को माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स टू द पावर के लिखते हैं, क्या फर्क पड़ता है। एक्स टू द पावर एन अपॉन के था k+1 बाई माइनस k+1,
माइनस के प्लस वन, ये खत्म। ठीक है, एट एक्स इक्वल जीरो तो हमें सी का वैल्यू मिल जाएगा और ये हो जाएगा माइनस टू टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन इज इक्वल सिग्मा के इक्वल जीरो टू एन, और एक्स बराबर जीरो पे ये पूरा जीरो ही दे दिया और ये प्लस सी था ना, प्लस सी। देयरफॉर सी का वैल्यू हमें मिल गया टू टू द पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन, यानी इस पूरे का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर सिग्मा के इक्वल जीरो टू एन एन सी के टू टू द पावर एन माइनस के एंड एक्स इंटू माइनस एक्स टू द पावर के अपॉन के प्लस वन विल बिकम टू टू द पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन माइनस टू माइनस एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। ठीक है, ये हमारा इस पूरे एक्सपेंशन का वैल्यू हुआ। यानी अब हमें सोचना है माइनस वन टू द पावर के, माइनस वन टू द पावर के कब आएगा, जब इस माइनस वन टू द पावर के एक्स की जगह हम लोग वन पुट करें। इफ वी पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल वन वी विल गेट माइनस वन टू द पावर के, तो एट एक्स इक्वल टू वन एट एक्स इक्वल वन दिस बिकम सिग्मा के इक्वल जीरो टू एन, सिग्मा के इक्वल जीरो टू एन एन सी के टू टू द पावर एन माइनस के एंड माइनस वन टू द पावर के टू टू द पावर एन माइनस के एंड माइनस वन टू द पावर के अपॉन के प्लस वन इक्वल टू टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन माइनस एक्स का वैल्यू वन, तो वन टू द पावर एन प्लस वन दैट इज वन, वन अपॉन एन प्लस वन, वन अपॉन एन प्लस। ये हमारा इस पूरे का वैल्यू आया, यानी इस पूरे टर्म का, माइनस वन टू द पावर के टू टू द पावर एन माइनस के अपॉन के प्लस वन एन सी के का। तो अब हम लिमिटिंग वैल्यू निकाल सकते हैं इसके वैल्यू को पुट करके, क्योंकि वेरिएबल अब केवल एन है। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एन प्लस टू अपॉन टू टू द पावर एन इंटू इन प्लेस ऑफ दिस सिग्मा वी कैन राइट टू टू द पावर एन प्लस वन माइनस वन अपॉन एन प्लस वन, और ये इजी वे में हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी एन प्लस टू अपॉन एन प्लस वन इधर निकाल लेते, और ये हो गया टू टू द पावर एन प्लस वन माइनस वन बाई टू टू द पावर एन को ऐसा करते, ऊपर एन माइनस एन प्लस वन है या एन माइनस वन था, टू टू द पावर एन प्लस वन। ठीक है, टू टू द पावर एन प्लस वन, और ये है टू टू द पावर एन, तो टू टू द पावर एन प्लस वन आई इन टू टू कर दें
तो ये 2 × 2 × 2 ठीक है। तो लिमिटिंग वैल्यू हमें मिल गया, देयरफॉर लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी, एन अगर कॉमन ले लें तो 1 + 2/n, 1 + 1/n एंड 1 - 1/2 to the power n+1, इंटू टू एंड दिस विल बिकम जीरो, दिस विल बिकम जीरो, 1 1 - 0 यानी 1 × 2, दैट इज द लिमिटिंग वैल्यू विल बी योर 2 एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन एंड होप यू विल अंडरस्टूड इट वेल। मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। वी हैव टू फाइंड इंटीग्रेशन 2 to 4 2025 ln 9 - x, 2025 रूट ऑफ ln 9 - x प्लस ln x + 3 to the power 1/2025, यानी ये इंटीग्रेशन है। तो अगर किंग्स रूल से देखें हम लोग तो x की जगह हम लोग सब्सटीट्यूट कर सकते हैं b + a - x इफ लेट आई बिकम 2 4 2025 ln 9 - x अपॉन 2025 ln 9 - x प्लस 2025 ln x + 3, ये डी एक्स छूटा हुआ है एंड ऑफ डी एक्स से, दिस इज योर इक्वेशन 1 एंड पुट एक्स इक्वल b + a - x दैट इज 2 4 6 एंड दिस बिकम्स 2025 ln 9 - 6 - x अपॉन 2025, केवल डराने के लिए है ये, ln 9 - 6 - x प्लस 2025 ln 6 - x प्लस 3। ओवरऑल देखें अगर तो आई हमारे पास है इंटीग्रेशन एंड डीएक्स 2025 2 to 4 एंड ln 9 में छो गया 3 + x अपॉन 2025 रूट ऑफ ln, ये भी 3 + x प्लस ln एंड दिस बिकम्स 9 - x। देखिए सेम डिनोमिनेटर आ गया, यानी इक्वेशन 1 और 2 दोनों का सेम डिनोमिनेटर, x + 3 9 - x, x + 3 9 - x, दैट इज एडिंग 1 एंड 2 वी गेट 2i = 2 to 4। ऊपर भी 2025 ln 3 + x और ln 9 - x, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर सेम, कैंसल हो गया, दैट इज डी एक्स एंड दिस बिकम्स x फ्रॉम 2 to 4, 4 में 2 गया 2 एंड द वैल्यू ऑफ i इज इक्वल 1। वेरी इजी क्वेश्चन, केवल डराने के लिए था ये 2025 का इशू एंड होप
यू विल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।